आज हमारा डे टू है, हम लोग देवसाई में हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, कड़क धूप निकली हुई है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि हमें लेयर्स एंड लेयर्स पहननी पड़ रही हैं। ऑल द ड्राइवर्स आर रेडी। आज हमारा जो रास्ता है वो अस्तोर के थ्रू होता हुआ जाएगा और हम लोग चिल्लास पहुँचेंगे फाइनली। गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं। एक दो गाड़ियाँ थी जिनको हमने टो करके किया है, वो तो चलो मैनुअल थी। अभी एक हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी है, डेफिनेटली इसको टो करके भी नहीं स्टार्ट कर सकते। जंपर केबल्स के साथ भी ट्राई किया हमने, आई थिंक इसके हीटर्स जो है ना इंजन के, वो काम नहीं कर रहे। अब हम इसको मैनुअली ऊपर से स्विच के हीट दे रहे हैं और नीचे से थोड़ी सी आग लगाएंगे ताकि इंजन का इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो। उसके बाद दूसरी गाड़ी का जंपर केबल्स लगाएंगे और इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लान फिर ये कि सोशल की तरफ निकल रहे हैं। हम फाइनली सोशल लेक पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 14,000 प्लस फीट अबव सी लेवल है। ऑल द जीप्स आर हियर पार्क्ड। ये वो व्यू पॉइंट है जहां से यू कैन प्रोबेबली सी नांगा पर्वत फ्रॉम हियर। और ये 14,000 फुट की बुलंदी पे हम लोग सब इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाद डिसेंट शुरू होगा और हम लोग इस्तोर के रास्ते चिल्लास पहुँचेंगे। सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? थोड़ा सा ठंड के बारे में बताइएगा, यहाँ पे तो मौसम का पता ही कुछ नहीं चलता। बस रात को हमारा यही प्रोग्राम था कि हमने कैंपिंग इधर करनी थी, मगर शुक्र है कि हमने पीछे ही कैंपिंग कर दी है बड़ा पानी में। इधर तो बहुत तेज़ हवा है और 5 मिनट के बाद मौसम इधर चेंज हो जाता है। 5 मिनट के बाद बादल होते हैं, 5 मिनट के बाद बारिश होती है। हाइट बहुत ज़्यादा है तो मौसम का कोई पता नहीं चलता। तो ये लकीली हम बहुत अच्छे रहे कि जो हमने पीछे कैंपिंग कर ली, जिस वजह से हम सर्दी से बच गए। आपके दरमियान एक छोटा सा वॉलीबॉल का मैच करते हैं। 5 5 पॉइंट्स का रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं।